बुरहानपुर जिले के 11 युवाओं को शासन की मुख्यमंत्री अन्नदूत युवा योजना के तहत 25-25 लाख रुपए का लोन मिला है, जिसके माध्यम से युवाओं ने आयसर वाहन खरीदे हैं। अब इन वाहनों के माध्यम से राशन दुकानों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें किराया मिल रहा है। जिले के 11 बेरोजगार युवा अब ट्रांसपोर्टर बन गए हैं, जिससे वह लोन की राशि चुकाने के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सरकार की मुख्यमंत्री अन्नदूत युवा योजना ने 11 बेरोजगारों को 25-25 लाख रुपए का लोन देकर उन्हें ट्रांसपोर्टर बना दिया है। अब इन आयसर वाहनों से माध्यम से राशन दुकानों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के 11 युवक ट्रांसपोर्टर बन गए हैं, जिसमें प्रदीप चौधरी, सूरज प्रधान, कुणाल महाजन, दीपक शंखपाल, दिनेश तायड़े, पवन महाजन, मोहसिन खान, अजहर कुरैशी, सिद्धार्थ तायड़े, कैलाश राठौर, सनील शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के माध्यम से अब लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कलेक्टर भव्या मित्तल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के राशन दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज पहुँचाने के लिए युवाओं को ट्रांसपोर्टर बनाया गया है। युवाओं को लोन देकर शासन की ओर से 11 आयसर वाहन दिलाए गए हैं, जिससे वे राशन पहुंचा रहे हैं, जिसके एवज में उन्हें किराया मिल रहा है, जिससे वह लोन की किस्त भरने के साथ परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। युवाओं को ट्रांसपोर्टर बनाया है, कितने लोगों को वाहन दिलाए हैं और अब ये क्या काम कर रहे हैं? 11 लोगों द्वारा आवेदन किए गए थे, जिनको पीडीएस दुकान के वितरण के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए थ्रू बैंक लोन्स, और इसमें 4 वाहनों का आज निर्मोला से वितरण भी होगा। जिले में कितने हो गए अभी तक? कुल अपने जिले में 11 वाहन है।